जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से, तो वे 5 साल में बनने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं बने हैं और न ही उन्हें लागू किया गया है। उन्हें लागू किए जाए और जो बैकलॉग विकलांगों का बैकलॉग पड़े हैं वे खाली पद हमें भरे जाए। अंत्योदय कार्ड बोल के मिलता है 35 किलो चावल का कार्ड, और वो कार्ड नहीं मिल रहा हमारे को। सरकार से ये मांग करे कि हमारे जो पेंशन है, हमारा भी विकलांग पेंशन है, वो पेंशन थोड़ा 2500 है, अभी 3000-4000 बढ़ा सकता है, इसी चक्कर में आए। पेंशन बढ़ाना चाहिए, अभी स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनना चाहिए, घर मिलना चाहिए सारे प्रतिबंधी लोग को, और जितना सरकारी सुविधा है सब मिलना चाहिए। आवर लॉ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड इन 2016 बाय बोथ द हाउसेस, बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल इज वेरी पुअर। सो एवरी स्टेट हैव टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ एंड दैट इज आवर मेन डिमांड, बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग प्रॉपर बजटरी एलोकेशन। Because now we have, in the previous law, we had 7 kinds of disabilities. Now we have 21 kinds of disabilities. So we need lot more budget. हम लोग को जो भी है वो ग्राम पंचायत में जो भी ऐसा जैसा मिलता है वो सब हमको नहीं मिलता है। जो घर है, जो निवेशन है, जो पेंशन है, जो भी हो हमको तकलीफ हो जाएगा। आधार कार्ड लिंक करना पड़ता है, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसके लिए हमारा जो भी करना पड़ता है वो उधर जाओ इधर जाओ सब कुछ ढूंढना पड़ता है। इसके लिए हम कर्नाटक से आए, इधर इधर ढूंढ के हमको जो प्रधानमंत्री जेल 2014 में बोला था 500 देते हैं, 5000 देते हैं बोल के, अभी हमको मिला है 1000, कर्नाटक में 1400 है, 1400 रुपये पेंशन मिलती है। उसमें क्या करेगा हम लोग, उसमें क्या मिलते हैं, उसमें रोज रोटी होता है। पेंशन इज इट्स ए पिटेंस। सी इफ पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग एम्प्लॉयड विल नेवर आस्क फॉर अ पेंशन, सो इट्स नॉट, इट्स समथिंग विच वी आर डिमांडिंग फॉर एज अ राइट। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट लाइक वी आर बेगिंग फॉर पेंशन और एनीथिंग। And can you imagine, it's only 500 rupees that the central government is giving is as a disability pension. Some of the states have increased their pension, but majority of the states still, there are like in many states there are 1000 rupees per month. In 1000 rupees what do you get? You cannot even like spend 2 days in 1000 rupees. So our demand is it should be minimum 8000. Leprosy jo hai stigma se juda hua hai. लेप्रेसी में प्रॉब्लम यह है कि लेप्रेसी के कारण विकलांगता आती है, बट वो विकलांगता इस तरह की है कि लोग सोचते हैं कि ये छुआछूत है और डरते बहुत हैं। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे पहले शुरुआत में हाथ पैर में मेरा सूनापन हो गया था, जख्म हो गया था। अच्छा। तो घर घर लोगों का पता नहीं था कि मेरे लेप्रेसी का कोड़ी का बीमारी हुआ है, कोड़ी बोलते हैं ना। मेरा मम्मी पापा नहीं है, मेरा बुआ था, बुआ का घर में, बुआ ने बोला कि इनको घर में रखना नहीं, बुआ का बहू ने बोला इनको घर में रखना नहीं क्योंकि इनको कोड़ी का बीमारी हो गया, हमारा बाल बच्चा का हो जाएगा तो हम शादी ब्याह नहीं करने पाएंगे। हम जो है ये हम लोग अंधा है, जो हैंडीकैप्ट है, जो लेग नहीं है, वो सब कुछ को तकलीफ है। हम जैसा है जीते है हमको मालूम है, किसको भी मालूम नहीं है। नौकरियाँ में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, जो पढ़े लिखे है उनको रिजर्वेशन नहीं है, नौकरियाँ नहीं दे रहे। और जो ऐसे लोग है कुछ बैठ के काम कर लेते, बैंक से लोन को गए तो बैंक वाला बाहर से छकाल दे रहा, अंदर को भी नहीं आने दे रहा। एजुकेशन लेवल ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन इंडिया इज वेरी पुअर। इवन द यूनेस्को रिपोर्ट सेज दैट ओनली 25% ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक्चुअली रीच स्कूल। जस्ट इमेजिन 25%, सो 75% तो पीछे ही रह गया। सो एंड अमंग दिस 25% द एजुकेशन ऑल्सो डजेंट रीच अ लेवल वेयर यू कैन गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग। And our demand is inclusive education because we have to include everyone in the education sector. And the kind of thing the government is doing now, we have got a new education policy where the expenses of education is increasing so much. A disabled person have to actually spend much more money to even to live day to day life. उनका ट्रांसपोर्ट के लिए अलग एक्सपेंस होता है, दे नीड एस्कॉर्ट्स, दे नीड ब्रेल बुक्स, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एजुकेशन पॉलिसी देयर, सो दैट इज नॉट देयर। सो इफ यू डोंट गेट एजुकेशन, वेयर इज अ जॉब, हाउ विल यू गेट अ जॉब। हमारा परिवार तो बीपीएल परिवार है, नौकरी उकरी कोई करता नहीं, हम भी तो कुछ काम धंधा नहीं कर सकते हैं, एकदम 100% ब्लाइंड है। आज मेरा उम्र हो गया 29,
आज मैं बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरे पापा भी हैंडीकैप है, ENT है, तभी का कारण से मेरे पापा भी घर में बजे रहते हैं, हम रहते हैं, भाई काम करता है, घर चलता है। आज ही कारण से हम ये उम्मीद लेके सरकार के पास आए हैं कि सरकार देखे, सरकार सोचे कि आने वाला दिन में डिजेबिलिटी का परिवर्तन क्या होना चाहिए। अगर ये अगर नहीं होगा तो हम लोग को भीख मांगना बैठना पड़ेगा रोड में।